सिंह जी के घर पे छापा डाला गया है। मैं अभी बता रहा हूं आपको, एक रुपए की हेराफेरी नहीं मिलेगी, मगर ईडी जब निकलेगी तो कहेगी हमें कुछ चीजें प्राप्त हुई है, हमने जो है कंप्यूटर और मोबाइल फोन ले लिए हैं, उसके अंदर काफी कुछ है। ये बात ईडी हर बार सोर्सेस के तहत प्लांट करती है, निकलता उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि अगर कुछ निकला होता तो अब तक इतनी सारी चार्जशीट, हजार हजार पन्ने की चार्जशीट ईडी तैयार कर रही है, उसमें कुछ तो होता कि इन मनीष सिसोदिया जी के घर से ये मिला था, इनके घर से ये मिला, इनके घर से ये मिला, कोई चार्जशीट के अंदर नहीं है कि किसके घर से क्या मिला, क्या इनक्रिमिनेटिंग मिला। सिर्फ और सिर्फ कारण यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जा रही है, प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि अब जाने का समय आ गया है, और जो डेस्परेट स्टेप्स होते हैं आखिरी के मौके पे किसी तरीके से कुछ हो जाए, कुछ बच जाए, कुछ हमला करके कुछ मामला बन जाए उनका, वो फिलहाल किया जा रहा है। हम इस तरीके के छापों की घोर निंदा करते हैं और कामना करते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी को लोग जो है बाय बाय करें। कुछ सवाल है आपके? सर, शराब नीति को लेकर आपका क्या मानना है, क्या नीति गलत थी, सही थी, अगर उसके तथ्यों पर अगर हम बात करें तो क्या कहना चाहिए? पंकज जैमिन जी ने बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा है, और जो सवाल इन्होंने पूछा है, इत्तेफाक की बात है, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर माननीय न्यायाधीश संजीव खन्ना जी ने भी अभिषेक मनु सिंघवी जी से सवाल पूछा है, और एक एक पॉइंट वो कोर्ट को बता रहे हैं, और कोर्ट ने यहां तक भी कहा कि कैबिनेट नोट्स के अंदर तो हमें लगता है कि कोर्ट्स के जाने का विषय नहीं है, मगर देख लें कि कहीं दिल्ली के विषय में कोई नई नीति तो नहीं बनी हुई। यानी कि कोर्ट ने भी मोटे तौर पे वर्बली ये बात कही। और जहां तक इस एक्साइज पॉलिसी का सवाल है, इस एक्साइज पॉलिसी के बारे में अभी अभी कोर्ट में कहा गया कि ये पॉलिसी तीन मिनिस्ट्रीज द्वारा वेट की गई, दिल्ली सरकार के लॉ डिपार्टमेंट ने वेट की, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वेट की, उसके बाद कैबिनेट से अप्रूव हुई, एलजी साहब के पास भेजी गई, एलजी साहब ने अपने कुछ रिकमेंडेशन दिए, उन रिकमेंडेशंस को लेके दोबारा से भेजी गई और एलजी साहब ने वो पॉलिसी पास की। अगर दिक्कत होती तो एलजी साहब को तो कोई दिक्कत नजर आती है उसमें? और कोई सवाल? बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, गौरव भाटिया ने, उन्होंने एक चीज कही है कि बायां हाथ दायां हाथ दोनों ही जांच के घेरे में हैं अरविंद केजरीवाल के, और ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो अपने घर पर इस तरीके से लेन देन की बात के लिए मीटिंग रखते हैं और कड़ियां से कड़ियां जोड़ रही है, हाथ कड़ी केजरीवाल तक पहुंच। असल में गौरव भाटिया जी उस वक्त समाजवादी पार्टी में थे, पहली बार हिंदुस्तान में हुआ था भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्री बंगारू लक्ष्मण जी तहलका टेप्स के अंदर देश का रक्षा का सौदा करते हुए कैश पकड़ते हुए कैमरे पर पकड़े गए थे। वो मामला जो था वो देश का पहला था। उस वक्त सपा में हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी को गालियां दिया करते थे भारतीय जनता पार्टी को गालियां दिया करते थे, इसलिए वो भूल गए। और कोई सवाल? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।